हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो बोर्ड मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसके अंदर हम रिमोट कैसे मैच कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये नंबर देख सकते हैं इसका, CV338HA42। तो दोस्तों, इसके अंदर हम रिमोट कैसे मैच करेंगे। अलग अलग रिमोट होते हैं, जैसे सैमसंग सोनी हो गया, या फिर इसके अंदर हमारे को लोगो मैच करना है तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत इजी तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से हम इसके अंदर लोगो और रिमोट को मैच करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये मैंने स्क्रीन अपने लिए तैयार कर रखी है। यहाँ पे मैं कोई भी बोर्ड टेस्ट कर लेता हूँ और ये मैं आपको लगा के प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ अभी इसके अंदर कौन सा रिमोट चल रहा है और कौन सा लोगो आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, अभी इसके अंदर फिलहाल कोई लोगो नहीं है और अभी जो है कि ये ब्लैंक है। और अभी देखते हैं कि, क्योंकि दोस्तों एंड्रॉयड जो बोर्ड होते हैं उनको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा तो हम ये देखेंगे। मेरे पास ये दो रिमोट है, जो कि एक LG का है, एक सोनी का है। तो देखते हैं कि अभी इसके अंदर कौन सा रिमोट काम कर रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये अभी मेरे पास सोनी का रिमोट है जो कि काम कर रहा है इसके अंदर। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, पूरा परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम वगैरह सब कुछ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये अभी परफेक्ट तरीके से हमारा जो है सोनी काम कर रहा है। हम चलाना चाहते हैं अभी LG का। तो LG चलाने के लिए सबसे पहले मैं इसके सेल निकाल के इसके अंदर LG में डालता हूँ और देखता हूँ क्या रहता है। यहाँ पे अगर आप ये दोस्तों देखेंगे, बहुत आसान तरीका है रिमोट मैच करने का और लोगो मैच करने का। ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे LG का रिमोट चला रहा हूँ लेकिन कुछ भी इसके अंदर मैच नहीं हो रहा, यानी कोई भी बटन नहीं चल रहा है। अभी मैंने इसके अंदर सेल डाला है लेकिन कुछ भी नहीं चल रहा है। तो अभी अगर मान लो मेरे को इसके अंदर रिमोट मैच करना है, तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास आप कंप्यूटर पे चलेंगे और आपके पास एक पेन ड्राइव भी होनी चाहिए। ये मैं पेन ड्राइव को सिस्टम में लगा लेता हूँ USB में और कंप्यूटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे मेरे पास इस बोर्ड की सभी फाइलें अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे CV338HA50 में भी काम करेगा, A42, A32 में भी काम करेगा। इसके अंदर रिमोट फाइल, लोगो फाइल सभी है। अब ये यूज कैसे करनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव को मैं सबसे पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके ये फॉर्मेट किया। यहाँ पे जब भी आप फॉर्मेट करेंगे तो FAT32 से ही हमारे को फॉर्मेट करना है दोस्तों। ये मैं इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ। फॉर्मेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी ये देख सकते हैं, अभी ये फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। तो इसको मैं तो मिनिमाइज कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर LG IR लोगो मैचिंग के लिए मेरे पास फोल्डर है। और जो चाइना का अगर आप रिमोट चलाना चाहते हो, सैमसंग या सोनी का चलाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये जो मेरे को अभी LG का चलाना है, ये LG का फोल्डर है। LG के फोल्डर को मैंने ओपन किया। इसके अंदर एक कस्टमर कॉन्फिग फाइल के नाम का एक फोल्डर होगा। इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। या कट कर ले या कॉपी कर ले, कट कर लोगे तो आपके सिस्टम में नहीं रहेगा, तो मैं कॉपी ही कर लेता हूँ। और आप अपने पेन ड्राइव के अंदर जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव ओपन किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये फोल्डर हमारे पेन ड्राइव के अंदर आ गया है। और अभी मैं ये पेन ड्राइव को रिमूव कर लेता हूँ
सिस्टम में से। और यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये मैं यूएसबी में लगा रहा हूँ। जैसे ही मैं यूएसबी में लगाऊंगा दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपग्रेड के नाम से आ रहा है। और ये सिस्टम हमारा, ये देखिए सेट हमारा ये ऑफ हो गया, यानी कि स्टैंड बाई में आ गया है। यहाँ पे आप लाइट देख सकते हैं, ये स्टैंड बाई में आ गया। इसको हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। अभी इससे पहले ये एलजी पे चल रहा था, और सॉरी इससे पहले हमारा ये सैमसंग पे काम कर रहा था। तो दोस्तों देख सकते हैं, इससे पहले ये हमारा सोनी चल रहा था, लेकिन अभी हमने एलजी का सॉफ्टवेयर इसके अंदर अपग्रेड किया है। तो देखते हैं एलजी का रिमोट इसके अंदर काम करता है या नहीं करता है। तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको भी ये फोल्डर आपको चाहिए, आप भी इसके अंदर करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये सारा है हमारा, ये काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एलजी का रिमोट हमारा ये वर्क कर रहा है। इससे पहले ये सोनी काम कर रहा था, ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सारा कुछ काम कर रहा है, जिसमें कि आपका वॉल्यूम वगैरह सब कुछ चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम कोई भी रिमोट इस वाले कार्ड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसके अंदर लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो लोगो मैच करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारे को ये लोगो लगाना है इसके अंदर। ये मैंने पेन ड्राइव फिर से निकाली, और इसी पेन ड्राइव के अंदर मैं लोगो का फोल्डर डालूंगा। ये मैंने कंप्यूटर के अंदर लगाया, और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि मैंने ये पेन ड्राइव जो लगी है, पेन ड्राइव के अंदर जो भी आपका फोल्डर है इसको हम डिलीट कर लेंगे। तो डिलीट राइट क्लिक करा, और यहाँ पे आप ये देखेंगे डिलीट का ऑप्शन है, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। और इस पेन ड्राइव के अंदर हम यहाँ पे आप ये देखेंगे मेरे पास जो फोल्डर है, जो सॉफ्टवेयर का, इसको मैंने ओपन किया, लोगो के नाम का फोल्डर है, कस्टम कॉन्फिग फाइल के नाम से फोल्डर होगा उसके अंदर। और ये मैं इसके अंदर जो भी इमेज मेरे को एज ए लोगो लगाना है वो मैं इसके अंदर डालूंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास एक जो है इमेज है, इस इमेज को मैं एज ए लोगो यूज करना चाहता हूँ। तो मैं इसको मैं कॉपी कर लूंगा और अपने पेन ड्राइव के अंदर मैं पेस्ट करूंगा। तो दोस्तों ये जो फोल्डर जो आपकी इमेज है इसको आपको डायरेक्ट नहीं डालना है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसको आप डायरेक्ट नहीं डालना है। इसको मैं क्या करूंगा, एक लोगो यानी कि जो मैंने सॉफ्टवेयर की जो फाइल है इसके अंदर लोगो का फोल्डर होगा, कॉन्फिग फाइल को ओपन करेंगे, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करूंगा। अब वो कॉन्फिग का जो फोल्डर है इसको कॉपी करके आप अपने कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव के अंदर डालेंगे। ये कॉपी किया मैंने और अपने पेन ड्राइव के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये इसके अंदर आ चुका है। इसको अगर हम खोल के देखते हैं, लोगो का फोल्डर है और इसके अंदर ये बूट इमेज है। तो अभी मैं पेन ड्राइव को यहाँ से रिमूव करूंगा, ये देखिए ये मैंने पेन ड्राइव को रिमूव किया और मैं यूएसबी के अंदर लगाया। यहाँ पे देखिए दोबारा से अपग्रेड का ऑप्शन सॉरी आएगा यहाँ पे अपग्रेड, और ये सेट हमारा स्टैंड बाई में आ गया। अभी मैं इस सेट को ऑन करूंगा तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये लोगो भी आपका मैच हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगो को मैच कर सकते हैं किसी भी एंड्रॉयड बोर्ड में, या किसी भी रिमोट को अगर आप चलाना चाहते हैं तो वो सभी काम आप कर सकते हैं। अगर आप एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड बोर्ड होते हैं डेड हो जाते हैं, या फिर लोगो पे हैंग हो जाते हैं, या फिर पैनल में दिक्कत आती है कई तरीके की, पैनल में लाइनिंग आ रही है, बर्निंग मोड में चला जाता है, या फिर फ्लिकरिंग की पिक्चर प्रॉब्लम आती है, तो ये हम सभी जो ट्रेनिंग देते हैं पूरे लाइफ अपने सर्विस सेंटर में ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।